और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच मारियूपोल पर कब्जा करने के बाद अब रूस अपनी चालें चलने लगा है। अब पहली बार एक रूसी जहाज मारियूपोल के यूक्रेनी बंदरगाह में दाखिल हुआ। यूक्रेन का आरोप है कि रूस मारियूपोल में संसाधनों की लूटमार मचा रहा है और यूक्रेन को बर्बादी की कगार पर ला रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। युद्ध के बीच रूस पर लगातार तबाही मचाने के आरोप तो लग ही रहे हैं, बल्कि अब लूटमार के आरोप भी लगने लगे हैं। कहा जा रहा है कि एक रूसी जहाज मारियूपोल के यूक्रेनी बंदरगाह में दाखिल हुआ और संसाधन लोड किया गया। हालांकि ये नहीं बताया कि इस जहाज पर लोड की जा रही धातु का उत्पादन कहां किया गया था। वहीं यूक्रेन के मानवाधिकार लोकपाल ने कहा कि ये शिपमेंट लूट की राशि है। उन्होंने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा, यूक्रेन के अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्र में लूटपाट जारी है। यूक्रेनी अनाज की चोरी के बाद अब रूस ने मारियूपोल से धातु उत्पादों का निर्यात करने का मन बनाया है। वहीं यूक्रेन की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वो चिंतित है कि रूस उसके धातु उत्पादों की चोरी और तस्करी करने के लिए मारियूपोल में फंसे जहाजों का इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी ने रूस पर डकैती का आरोप लगाया है। ये पूछे जाने पर कि क्या रूस की ओर से बाहर भेजी जाने वाली धातु मेड इन वेस्ट की है, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हमने कहा था कि हमारी धातु मारियूपोल के बंदरगाह में फंसी है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। एक ऐसी सेना जिसके बारे में माना जाता था कि वो कुछ ही दिनों में किसी भी देश को हरा सकती है। हालांकि दोनों ही देश एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं और आगे देखना होगा कि इस युद्ध का क्या अंजाम होगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।